हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। कैसे गर्मी सुंदर के घर कैसे रहते हैं यहाँ पे। चलो भाई देखते हैं कैसे बैठते हैं ये लोग, घर कैसे बनाते हैं। चल चल हाँ। देखते हैं। वाह यार कितना अच्छा बना रखा है। अरे ये देख रहे हो कितना बड़ा है। अरे यार कितना बड़ा घर है जंगली सुगर का। इसमें क्या चीज इसमें आ जाता है, क्या चीज इसमें रहता है। जंगली सुगर रहता है इसके अंदर। सुगर हाँ। अरे देख रहे कितना बड़ा घर बना रखा है इन लोगों ने। ये जहाँ पर रहता है उसका बहुत बड़ा झुंड होता है। अरे इतना बड़ा झुंड होता है, बहुत बड़ा होता है। जहाँ पर रहता है 6-7 रहता है एक साथ ही। इसलिए ये जंगली सुगर आया कहाँ से यहाँ पे जंगल में पता नहीं है ना, ये अपने आप आ गया इधर। अच्छा पता नहीं लगा कब आ जाते हैं, कितने बार टकरा भी जाते हैं। ये देखो कितना बड़ा घर है, हम लोग देखने के लिए आए कहाँ कहाँ रहते हैं ये। ऐसे ऐसे बहुत ढूंढते हैं आगे। चलो हाँ ऐसे ऐसे बहुत सारे ठिकाने हैं, दिखाऊंगा। और चलिए तो फिर चलो आगे। चलो चलो निकलो निकलो यहाँ से निकलो निकलो। देखो कितना खतरनाक रास्ता बना रखा है। देखिए आज एक ऐसे चीज से आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक ऐसा फल है जो फ्री में मिलता है खाने के लिए, जब मर्जी हो तोड़ के खा सकते हैं, इसका कोई पैसा नहीं होता है। देखिए इसमें कोई रोक ठोक नहीं होती है। या कि ऐसा जलेबी होता है, इसका नाम भी जलेबी है, जैसे वो जलेबी बनता है ना वैसे इसका नाम भी जलेबी है। इसको जो है ना खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मिलता है। इसका कांटे भी होती है, बहुत गत्ते है, बहुत मुश्किल से तोड़ना होता है इसको। ये तो नीचे में इसलिए तोड़ लिया, तो ऊपर में इतने सारे आए ना उसको बिना कोई डंडे से नहीं तोड़ सकते, क्योंकि इस पर चर भी नहीं सकते। खाने में कैसा लगता है ये। खाने में बहुत अच्छा लगता है, खा के भी दिखा देता हूँ। ये ऐसा नहीं है ये खाने वाला नहीं है। हाँ। देखिए खा के भी दिखा सकते है। इसको बिया होते है काले रंग के, देखिए देख सकते है। ये देखिए इसको बिया के निकाल के खाने होते है। इसके अंदर बिया होंगे ना तो नुकसान करेंगे, इसलिए बिया निकाल के खाना चाहिए। इसमें इतने सारे है तोड़ के खा सकते है। देखिए लेकिन इसमें गर्ता भी बहुत है, धीरे से तोड़ना पड़ता है। जैसे देखिए वो कच्चा था, ये देखो ये देखो इसका देखो। जब ये पक जाता है ना तो देखो ऐसे हो जाता है, सही नहीं है। ये देखिए ऐसे हो जाता है, ये और भी अच्छा लगता है जब ये पक जाता है ना, तो ये और भी अच्छा लगता है। देखिए बिल्कुल काला हो चुका है इसका बिया, इसलिए ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। कोई गाढ़ा भी होता है, कोई मीठा भी होता है, कोई इतना मीठा होता है खाते रहोगे तो भी मन भरता है। इसलिए ये फ्री में मिलता है, जब मर्जी तोड़ के खा सकते हो। चलो और बहुत सारे चीज़ देखते हैं क्या क्या चीज़ मिलते हैं खाने के लिए। जैसे एक ये भी चीज़ है, लाल रंग के है ना ये। हाँ। इसको तो हम लोग तिलकोर बोलते हैं, क्योंकि ये भी खाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये भी मीठा लगता है, ये कैसे लगता है। ये भी मीठा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये जब पक जाता है ना तो ये पक्षी वक्षी खाते हैं, इंसान भी खाते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। देखिए जैसे खा कर दिखा दे, बहुत मीठा लग रहा है। अच्छा हाँ इसलिए बहुत अच्छा लग। बहुत सारे होता है पौधे, देख रहे कितने सारे हो रहे हैं। कोई कच्चा है कोई पक गया है, तो इसको भी तोड़ के खा सकते हैं। ये कैसा चीज है ना, इसको जगह जैसे देखिए ये होता है, जिसमें जगह बाल में लगा लेने ऐसे ऐसे जगह लटपटा लेने, तो इसको निकालना बड़ी मुश्किल होता है। जैसे देखिए मेरे बाल में अब फंस गया, इसको निकालना बड़ी मुश्किल होता है, बाल भी तिरने लग जाता है। ये देखिए कितना मुश्किल से निकल रहा है, इसलिए ये बहुत खतरनाक होता है। जिसके बाल में लटपटा रहता है ना बहुत मुश्किल से निकलता है।
इसलिए ज़्यादा नहीं निकालना चाहिए इसको, इसलिए दूरी रहता है इससे। ये भी एक रुई की तरह होती है, लेकिन ये होता है रुई नहीं होता है, तो बस इसका फुलकी है, जैसे फूल फुलक जाता है ना। चलिए फ्रेंड, देखते हैं कुछ मिला है यहाँ पे। ये बहुत बड़ा था यार वहाँ पे। क्या है? चलो चलो, बहुत बड़ा खतरनाक चीज है। चलो जल्दी चलो, और देखते हैं कुछ मिला है यहाँ पे हमारे भाई लोग को।